तो अब आपको कैसा लग रहा है मॉन्ट्रियल की सड़कों पे आके? 1 2 3 टेस्ला बनाएगी ये वाली लड़की। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एंजल कैनेडियन व्लॉगर्स। तो आज का दिन हमारा घूमने वाला दिन है, क्योंकि कल के दिन हम कहीं घूम नहीं पाए थे। तो आज हम जाएंगे 2 या 3 जगह पे, टाइम के हिसाब से देखेंगे, लेकिन आपको घुमाएंगे हर एक जगह यहाँ पे मॉन्ट्रियल में जो जो भी खास है। तो आज हमारा प्लान है कि सबसे पहले साइंस सेंटर जाएंगे, उसके बाद हम ओल्ड पोर्ट जाएंगे, और एक यहाँ पे एक चर्च है जो कि इटली की सबसे बड़ी चर्च से रेप्लिका बनाई गई है। तो हमारी कोशिश है कि हम ये तीनों चीज़ें देख सकें। तो हम ऑलरेडी लेट उठे, तो अभी 10 बजने के आसपास हैं, तो ट्राई करते हैं। तो आपको दिखाते हैं कैसा है मॉन्ट्रियल। 5 minutes later तो मैं हो गई हूँ तैयार, और पापा भी तैयार हो गया, और जतिन मोटू को देखो वो भी तैयार हो गया, पीछे मम्मी भी आ रही है, जशन ने लेट कर दिया, जशन भी आ गई, ओह माय गॉड, जशन को वॉशरूम जाना था इसलिए। और हमारी गाड़ी कहीं और खड़ी है, क्योंकि यहाँ पार्किंग का बहुत मसला है, तो हम भी चल के जाएंगे, पता नहीं इधर को जाना है, इधर को जाना, हाँ इधर ही जाना। वो आ रही है जशन, जिसने लेट किया है। तो अब आपको कैसा लग रहा है मॉन्ट्रियल की सड़कों पे आके? ठीक नहीं है काम? अच्छा वो आ गया जहाँ हमें जाना है, वो राउंड राउंड व्हील वाला, वही जाना हमने, आज हम उसी गली में घूमेंगे। मैं क्या बाहर निकल के, अच्छा है पुल बने हुआ है, ए होना है तो मॉन्ट्रियल का कुछ फेमस पुल, क्योंकि इतना बने होते हैं ना, ये न्यूयॉर्क भी बने हुआ, ये वाला टूर जो है हम ले सकते थे, टूर मॉन्ट्रियल का पूरा टूर कराते होंगे, चंडीगढ़ में भी ऐसी बस चलती है ना पूरी, देखा था हमने पैकेज इसका ऑनलाइन में, हाँ। $150 पता नहीं कितना लेते हैं, हाँ। और ये पूरा दिन ऐसे ऐसी चलती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं साइंस सेंटर की पार्किंग में, अभी मैं आपको यहाँ का जलवा दिखाता हूँ जो हमें बहुत सही लग रहा है। तो अभी हम आ गए हैं पहली जगह घूमने, वो है मॉन्ट्रियल साइंस सेंटर, जो कि एक तरह से म्यूजियम है आई थिंक। तो अभी जतिन और उनके ब्रदर दीपक गए हैं टिकट्स लेने, और फिर हम जाएंगे अंदर, तो आपको वो दिखाते हैं कि कैसा है ये, अगर फ़ोन ना अलाउड हुआ तो नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ से हमने पार्किंग के लिए गाड़ी लगाई नीचे, हम यहाँ से अभी ऊपर आ गए हैं चल के, फाइनली जाके कोई पार्किंग मिली, थोड़ा जल्दी आ गए थे इसलिए, बट वेदर भी अच्छा है और या सीन्स भी अच्छे हैं। मॉन्ट्रियल जो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बट इट्स ब्यूटीफुल। तो अभी हम आ गए साइंस सेंटर के अंदर, और जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए मैं डिटेल्स बताना चाहूँगा कि $27 की टिकट है यहाँ पे, अभी हमने 6 टिकट्स बाय करी हैं, और पीछे बहुत शोर है, बहुत सारे बच्चे भी, या तो काफ़ी सारा क्राउड है पीछे, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, ट्रिप पे आए होंगे, तो अभी अंदर जाके देखते हैं क्या है देखने को, और आपको भी दिखाएंगे क्या देखने को मिल सकता है। सब अपनी हाइट मेजर कर रहे हैं, कह रहे हैं हम किसी प्लेयर से कम नहीं, डिसाइड कर लो कितना, ठीक 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 लगा लो। हो गए जतिन दीपक शुरू हो गए हॉकी खेलना, हॉकी सी ये तो लीग से बाहर चला गया, कुछ भी इतना गुस्सा, ए मैं व्लॉग में ले रही हूँ तुम्हें।
1, 2, 3 पापा जीत गए। जब 3 बोलूंगी उदो मारियो, चिटिंग नहीं चलेगी। मम्मी पीछे कर लो, मम्मी चिटिंग नहीं चलेगी। ओ पापा जीत गए। देखते हैं मम्मी इस बार कर पाती है कि नहीं। 1, 2, 3 ओ अभी मैच लग रहा है दीपक और जतिन का। पहले जीत गया है दीपक। लेट्स सी अब कौन जीतता है। 1, 2, 3 ओ ब्रैम्पटन विच मुंडा रहिंदा सोनिया पंजाबी। जोर लाया पूरा। ओके लास्ट 1, 2, 3 गो। जतिन जीता हूं था। अभी निकिता और जशन के बीच में मैच, तगड़ा मैच होता हुआ। 1, 2, 3 हमारी प्लेयर निकिता ध्यान ना देती हुई खाने की तरफ ज्यादा ध्यान। गजब बेइज्जती है। पापा स्पेस से को मरे ना। हे कहाँ चल दिया। हमारे ग्रुप में एक बंदा ऐसा जो हमें समझाता हुआ कि ऐसा क्या होने वाला है यहाँ पे। अरे 5 किलो कम हो गया। A few moments later, मेरे ऑलरेडी 2 गोल हो चुके हैं और निकिता हारती हुई। तीसरा गोल और हो गया। हमें तो बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। हॉकी खेल रहे हैं हम, उधर मम्मी और दीपक खेल रहे हैं, इधर जशन और पापा। देखते हैं इसमें क्या है। आई थिंक ये बच्चों के लिए बना हुआ, छोटे बच्चों के लिए। शिट यार, जशन बच्चे ही नहीं है। बच्चों को देखो दिखाया हुआ है कि क्या क्या है। स्पाइसेस, फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, सोप। अंदर जाके देखते हैं। ओके क्या सब्जी लोगे, ये सब्जी लोगे या ये लोगे? ओह इन्होंने दुकान शुरू कर। खत्म। और ये पापा फिश पकड़ते हुए। पापा लाइसेंस है क्या तुम्हारे पास? $50 911 करो। आ आ आ चक्की ओ ओ चक्की 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 1, 2, 3 ओ ओ ओ पापा कर सकते थे। तुमसे ना हो पाएगा, ये तो चलता नहीं। अभी नीचे की फ्लोर हमने देख ली, ऑलमोस्ट काफी अच्छा है फ्रेंड्स साइंस सेंटर। अभी हम जा रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, तो अभी ऊपर का देखते हैं। होपफुली आप हमारा व्लॉग एंजॉय कर रहे होगे अभी तक। सो फार सो गुड, क्योंकि हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये रिफ्लेक्शन वाला है कुछ, मुझे भी नहीं मालूम क्या बोलते हैं इसको, लेकिन देखने में बड़ा सही लग रहा है। क्या कहना है आपका? हाँ दूसरी दुनिया में आ गए हम। ओह हमारी फोटो खींची जा रही है यहाँ पे। जतिन को क्या हो गया पता नहीं। ओह
सेम सेम। क्या चल रहा है? अगर जतिन डांस करेंगे तो चलता है ऐसा उनको लगता है। सारी कैलोरीज बर्न करनी उन्होंने यहाँ पे आज। ये नीचे है जहाँ हम ऑलरेडी गए थे, आपको दिखाया था, और ये ऊपर है। ऊपर पूरा गेम जोन बना हुआ है और ये मैं। ये चल रही है यहाँ पे फिजिक्स, बच्चों ने सर्किट्स लगवाए हैं यहाँ पे। टच करूँगी तो कंट्रोल लेगा पता नहीं। हाँ भाई अंदर नहीं जा रहा, मजा पूरा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी ऑडियंस को भी पूरा मजा आ रहा होगा। ऐसा साइंस सेंटर कहीं देखने को नहीं मिला अभी तक मुझे तो। मैं न्यूजीलैंड भी गया वहाँ भी नहीं देखा। दिस इज कनाडा, मतलब ये अच्छा ना, छोटे बच्चों के लिए बना हुआ और बच्चे प्रैक्टिकली सब कुछ सीख रहे हैं। मतलब इतनी अच्छी, इतनी नई नई चीजें ना, मतलब इतना मजा आता है। ओह माय गॉड, वो देखो पूरी साइंस लाई हुई है कि बॉटल ऊपर हो जाती है हवा में प्रेशर। और इसमें से प्रेशर डाल रहे हैं और बॉटल जाएगी ऊपर को टॉप पे। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं इंडिया में यहाँ सब प्रैक्टिकली सिखाया जाता है बच्चों के लिए। हर चीज इतनी प्रैक्टिकली दिखाई गई है, मतलब सिखाने के लिए इतने छोटे छोटे बच्चों को, कि इतना इंटरेस्टिंग वे में बच्चे यहाँ पे सब चीजें सीख सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा कितना कुछ है यहाँ पे यार। Oh no! Everybody! picture बन रही है। Oh bubbles! Wow! ये दिखाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, अभी निकिता करके दिखाएगी। वो देखो मतलब वाटर से वो घूमता है, अभी इस पे घूम नहीं रहा तो हाथ से घुमाना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पूरी जनरेट हो जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी कि मैं लग रहा है साइंस सेंटर योर साइंस इज वेरी गुड। मतलब इंडिया इंडिया न्यूजीलैंड से बिल्कुल डिफरेंट है। This is all about brain. यहाँ सारी ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी। यहाँ पर बच्चों का क्विज हो रहा है। वो तो क्विज कर रहे हैं साइंस एक्सप्रेस में कि उसको वो बॉडी पार्ट्स पता है या नहीं पता है। क्या देखने को मिला? अपनी ह्यूमन स्किन का बताया हुआ है कि कैसे डर्मल सेल्स होते हैं, उनको लैब में जाके ये असेंबल करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे यूजिंग द ब्लड वेसल प्रोड्यूस्ड इन लैबोरेटरी। दिस टेक्निक अभी भी डेवलपमेंट में, मतलब इस टेक्निक से हमारी स्किन प्रोड्यूस हो सकती है, ह्यूमन की स्किन। तो हमारा कान प्रोड्यूस हुआ सी। अदर वेस्ट टू प्रोड्यूस ऑर्गन इन विट्रो, रियल प्रोग्रेस थ्रू टिश्यू इंजीनियरिंग। वाओ, पहले हम प्ले करने गए थे वहाँ पर, हमने प्ले देखा और करा भी, और अब हम आ गए हैं ह्यूमन बॉडी में जहाँ पे हमने ब्रेन के बारे में और स्किन कैसे बनती है बहुत कुछ देख रहे हैं ना। मतलब बच्चों के लिए साइंस सिटी वन ऑफ द बेस्ट चीज है। हाँ, अगर आप लोग कनाडा में हो और अगर मॉन्ट्रियल में हो तो जरूर आना यहाँ पे। डेफिनेटली अपने बच्चों को जरूर लेके हम हाईली रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो वो यहाँ आके फन एक्टिविटीज करके सीख लेंगे, क्योंकि हर चीज प्रैक्टिकली नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक वेव्स ये सब
जो भी साइंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें हमने थ्योरेटिकली इंडिया में पढ़ी थी वहाँ कभी प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं देखा. हमें नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ वो हर चीज़ फन वे में बना के दिखाई गई और बच्चे उसको प्ले करते हैं और सीखते हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. अभी तक आगे देखते हैं. वर्थ फॉर मनी है. सिर्फ 27 bucks एक बार एंट्री के लिए और फुल डे आप रुक सकते हो अंदर. इतनी सारी एक्टिविटीज हमें नहीं लगता हम यहाँ से जल्दी निकल रहे. हम सोच गए थे 3 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी 3 घंटे हो गए. मुझे लगता है हमने हाफ वे भी घूम लिया होगा और हम सोच गए थे कि हम 3-3.5 घंटे में बाहर चले जाएंगे क्योंकि हमें आगे भी जाना है. यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग है जाने का ही मन कर रहा है. यहाँ से कलर्स इतने अच्छे अच्छे हैं. मतलब आपको पता है मेरा फेवरेट कलर पिंक है. वो देखो पिंक सब कुछ पिंक है. तो अभी अंग्रेज ने सब बता दिया. अब जतिन मम्मी पापा को पूरा ध्यान से समझा रहे हैं पंजाबी में अपनी भाषा में कि करना क्या है. अब ये टीम है. इनका टास्क है फाइंड अ वे फॉर द बॉल टू फॉल फ्रॉम द बालकनी टू द ग्राउंड विदाउट लाइटिंग अप. दिस बॉल इज सेंसिटिव टू इंपैक्ट. ये अपना दिमाग लाना अपना. तुमसे ना हो पाएगा. तो मेरा माइंड तो अभी थक चुका है. तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी इसलिए मैं थोड़ा साइड पे आ गई हूँ. बाकी लोगों को भेज दिया कि थोड़ा देख लो कर लो बट कोई करने वाला नहीं है. क्योंकि हम यह फन करने आए दिमाग लगाने आए. पढ़ाई वढ़ाई होगी अब मेरी. अम्मा नहीं करने वाली कुछ ऐसा. देखते हैं वो क्या कर रहे हैं कि क्या कोई दिमाग लगा रहा है या नहीं. अभी वो नेक्स्ट टेबल पर चले गए. नेक्स्ट चीज़ देख रहे हैं कि क्या करना है. देखो कितनी गंभीर जो है इनकी चल रही है बातें. मैं आपको दिखा पूरा समझ रहे हैं. ये उधर पूरी डिस्कशन चल रही है. इधर पूरी डिस्कशन चल रही है. डिस्कशन के बाद होगी शुरू एक्टिविटी. लेट्स सी. सो यू गाइस चैलेंज एक्सेप्टेड. क्या बना रहे घर बना रहे कार बना रहे हैं कुछ भी. ये बचपन से ना इंजीनियर है तो ये अभी इसमें कार बनाने वाला है. पापा कहते मैं भी बनाऊंगा. देख लो ये भी बोल लेंगे. सारे इंजीनियर इकट्ठे हो गए ने. कोई भी टूल चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो इसको यूज करने के लिए. पन्ना पुन्ना अगर अगर आपका इंजन ढीला पड़ रहा हो तो. मैं तो थक गई हूँ तो मैं नहीं कर सकती ऐसा काम. ओहो हो हो बच्चे आ गए हैं. साइंस मीडियम साइंस. अरे कहना क्या चाहते हो. साइंस लैब में कुछ तो बना के जाएंगे आज. क्या बन रहा है भाई. गाड़ी बन गई. टेस्ला बनाएगी ये वाली लड़की. अच्छा टेस्ला का बेस बिगड़ गया. बेस बिगाड़ दिया है जतिन ने. तो गाइस आपको दिखाएंगे जब टेस्ला बन जाएगी. बेस तो बन गया. देखो उड़ेगी ये टेस्ला. देखा उड़ा के दिखा दी. ये फ्रंट है इसका. ये देखो जो को जो कॉर्नर है वो दिखाते हुए कि फ्रंट केड़ा बैक केड़ा है. बहुत बढ़िया इन्वेंशन की है. इतने बैजे चारों तो हमारी टेस्ला जो है बन चुकी है. गुड जॉब इंजीनियर साहब. एलन मस्क आज ही अवार्ड देके जाओगे. हाँ ठीक है. ये टीम थी 2 लोगों की. ये तीसरा तो ऐसी था. सपोर्ट में खड़ा छेड़ रहा है उसको. ये वो कंप्लीट दे दे ना जा जा. छोटू रखा है. छोटू मैं वो बंदा हूँ. अगर अगर तो ये काम करगी टेस्ला और आम कितना टीम वर्क. ये ना चल रही बंदा है नहीं काम.